जून के महीने में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंफर्म स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है IQOO न्यू 6। ये जो है 31 मई को लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट सेल है वो आपको जून से देखने को मिलने वाली है। जून के स्टार्टिंग वीक्स में ये सेल पे जा सकता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं, और ये जो फोन है वो आपको 25 से 30 हज़ार के अंदर देखने को मिलने वाला है। Xiaomi की अगर हम बात करें तो Xiaomi की तरफ से आपको Xiaomi 12X और Xiaomi 12 Lite ये दोनों ही फोन देखने को मिलने वाले हैं। Xiaomi 12X ये जो है वो 30 से 35 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, और 12 Lite जो होगा वो आपको 25 टू 30 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। और ये दोनों ही फोन जो है वो जून एंड तक आपको लॉन्च होते हुए दिखाई दे जाएंगे अपने इंडिया में। और 12 Lite की जो स्पेसिफिकेशन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और पोको की तरफ से आपको पोको F4 सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको F4 GT और F4 देखने को मिल सकता है। F4 GT की जो प्राइस है वो आपको 40 से 45 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगी, और F4 जो है वो आपको 25 से 30 हज़ार के अंदर देखने को मिलने वाला है। और पोको F4 GT की जो स्पेसिफिकेशन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चाइना में जो है वो रेडमी नोट 10T और 10T प्रो ये जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, तो ये शायद आपको पोको X4 के नाम से आपको देखने को मिल सकते हैं, X4 और X4 Pro के नाम पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और Oppo की अगर हम बात करें तो Oppo की तरफ से आपको Oppo Reno 7 Lite ये फोन देखने को मिल सकता है। इसकी स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये जो फोन है आपको 20 से 22 हज़ार के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि अच्छी प्राइस में आपको अच्छा एक फोन देखने को मिल सकता है। और Realme की तरफ से आपको Realme GT New 3 ये देखने को मिलने वाला है। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो Realme GT New 2 यही फ़ोन है। इसमें आपको सिर्फ 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट दे दिए, बाकी यही फ़ोन आपको देखने को मिलता है Realme GT New 2। और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, और इसका नाम रख दिया है Realme GT New 3T। और इसकी जो प्राइस है वो आपको 25 से 30 हज़ार के अंदर देखने को मिल सकती है, और स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करते हैं Vivo की, तो Vivo की तरफ से आपको Vivo S15 और Vivo S15 Pro ये देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो है चाइना में लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको जून के एंडिंग तक ये देखने को मिल सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो आपको जो बेस्ट वेरिएंट है वो आपको 30,000 का देखने को मिलने वाला है, और प्रो जो है वो आपको 35 का देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं OnePlus की, तो OnePlus की तरफ से आपको OnePlus Nord 2T देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ये जो है वो OnePlus Nord 2 ही है, इसका ही रीब्रांड करके मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करके Nord 2T कर दिया है। और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 28 से 30 हज़ार के अंदर ये देखने को मिलने वाला है। और OnePlus की तरफ से एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है, OnePlus Ace Racing Edition। हाँ दोस्तों, पहले जो है वो OnePlus Ace हुआ था जो कि 10R बन के आया था। अभी का जो OnePlus Ace Racing Edition है ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है, तो इसको शायद से OnePlus 10 Lite के नाम से ला सकते हैं अपने इंडिया में। और प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस है आपको 30 से 35 हज़ार के अंदर देखने को मिल सकती है। इन्फिनिक्स की अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 12 ये आपको दो वेरिएंट देखने को मिल गएंगे। इसमें आपको जो तीसरा वेरिएंट है वो होगा VIP, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 12 VIP। ये फ़ोन देखने को मिल सकता है जून की एंडिंग तक, जो कि एक अच्छी बात है, और बढ़िया प्राइस में आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाएंगी। और मोटो की अगर हम बात करते हैं तो मोटो की तरफ से आपको दो फ़ोन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको मोटो G82 देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी ज़्यादा लीक्स तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपको एंड जून तक देखने को मिल सकता है। इसकी जो प्राइस है वो 17 से 20 हज़ार के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और मोटो E32S ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है, ये जो है बजट फ़ोन होने वाला है, ये जो है वो आपको 10 हज़ार के अंदर देखने को मिलने वाला है। और अगर इस फ़ोन का मुझे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वो स्पेसिफिकेशन देख पाओगे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि हम थोड़ा सा बाहर घूमने गए थे, अभी हम रेगुलर वीडियो देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए बाय।